कोरोना वायरस से दुनिया भर में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसी बीच दिल्ली में एक और कोरोना वायरस का पॉजिटिव मरीज मिला है। इसी के चलते देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि वायरस से प्रभावित मरीजों में 2 मरीजों का राजस्थान, 1 का तेलंगाना तथा बाकी का दिल्ली और हरियाणा में इलाज चल रहा है। सभी की हालत स्थिर है। वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस के डर से गुरुग्राम स्थित बिड़ला सन लाइफ कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को घर बैठकर काम करने की सलाह दी है। कंपनी ने कहा कि सभी कर्मचारी घर से काम करें और जरूरत पड़ने पर ही दफ्तर आएं। कई देशों में पैर पसारने के बाद कोरोना ने भारत में भी कोहराम मचा रखा है। इसी बीच बॉलीवुड के सबसे बड़े अवार्ड आईफा को कोरोना के कारण आगे बढ़ा दिया गया है। जी हां, मध्य प्रदेश में पहली बार होने वाला आईफा अवार्ड टाल दिया गया है। गौरतलब है कि ये फंक्शन 27 से 29 मार्च को इंदौर और भोपाल में आयोजित होने वाला था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार से चर्चा के बाद आईफा के आयोजकों ने कार्यक्रम को टाल दिया है। दर्शकों और एक्टर्स के स्वास्थ्य को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कार्यक्रम की अगली तारीख की घोषणा जल्द ही होगी। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में आईफा को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। यही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री भी इंदौर आने और आईफा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक थी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।